वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर फ्री। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। चलिए आज इसमें हम पढ़ेंगे सीबीएसई की क्लास 10th का साइंस चैप्टर 6 बायोलॉजी का पार्ट 1। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। चलिए पढ़ते हैं। What are life processes? The processes which together perform the maintenance job are called life processes. जो भी process है ना, जो एक साथ मिलकर maintenance job करता है हमारी body का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Life processes. These processes require energy which comes from outside the body of organism, that is food, nutrition. अब ये जो process है, जो भी कोई process होता है उसको क्या चाहिए होती है? Energy चाहिए होती है। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? बॉडी के बाहर से आएगी, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से आएगी, यानी कि उसको फूड लेना पड़ेगा, न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, तब उसको एनर्जी मिलेगी ये सारे प्रोसेस को करने की। ऑक्सीजन इज एक्वायर्ड सो दैट फूड इज फाइनली कन्वर्टेड टू द यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑक्सीजन ली जाती है, उससे क्या होता है, जो फूड है वो फाइनली किस चीज में कन्वर्ट होता है? एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी देता है हमें, रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए मैं आपको पिक्चर भी दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो ये प्रोसेस चलता है हमारा। फूड एंड ऑक्सीजन नीड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन बॉडी। अब देखो, फूड है यानी कि खाना है, ऑक्सीजन है, उनको एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए ताकि वो एक जगह से ट्रांसफर होकर हमारी बॉडी के दूसरी जगह तक पहुँच सके। तो इसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अभी देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है उसको हटाने के लिए, जो गंदगी बन रही है उसको हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम बॉडी वाया एक्सक्रीशन प्रोसेस। अब जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स यानी कि जो वेस्ट हैं, जो हमारी बॉडी के प्रोसेसेस के दौरान वेस्ट निकले बने हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, और जो इस बाहर निकलने वाले प्रोसेस को हम बाहर फेंक देते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन प्रोसेस। अब न्यूट्रिशन जानते हैं, न्यूट्रिशन क्या है? देखो, न्यूट्रिशन क्या है? फूड लेना, ठीक है। अब ये दो तरीके से होता है, टू टाइप्स हैं इसकी, एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक। सबसे पहले जानते हैं ऑटोट्रॉफिक क्या है। इन दिस ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस इट्स ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ऑटोट्रॉफिक क्या है? इसमें क्या, ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं? उनको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और साथ के साथ इनको थोड़ी सनलाइट चाहिए होती है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चार चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ऑर्गेनिज्म अपने लिए खाना खुद बना पाता है। इट इज़ देन कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट। जो खाना फिर जब बन के क्या कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जिसमें खाना बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल में हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। देखो, ये पिक्चर भी दिखाई हुई है। देखो, सनलाइट से एनर्जी मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, सब मतलब ये सारा प्रोसेस जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको दिखा रहा है। और इसका एग्जांपल अभी देख रहे हो, आपको पिक्चर से भी पता चल रहा है, ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया में होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एक दूसरा क्या है, एक तो ऑटोट्रॉफिक हो जो खाना खुद बना रहे हैं, अब दूसरा क्या है? हेटरोट्रॉफिक। इन दिस ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। अब इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म जो भी है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा अपने खाने के लिए और जिंदा रहने के लिए। जैसे कि देख लिए, एनिमल्स क्या है, प्लांट्स खा रहा है, ये जिराफ दिखा रहे हैं ना, जिराफ दिखा रहे कैसे वो प्लांट के पत्ते खा रहा है मतलब, तो उसको अपना हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड हम कहते हैं। इसका एग्जांपल आगे देखो, एनिमल की मैंने पिक्चर डाल रखी है यहाँ पे, और फंगाई भी इसी में आता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो बीच में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको ऐसा लगे कि किसी टॉपिक पे आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा आप समझना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइएगा, ठीक है।
चलिए आगे पढ़ते हैं। हम पढ़े थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए हम इसका रिएक्शन समझते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपके जो ग्रीन प्लांट्स में होता है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, पानी भी चाहिए होता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पानी ये कंबाइन होते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और ये क्या बनते हैं, तो इसका फोटोसिंथेटिक एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है, 6CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के वो लेने हैं मॉलिक्यूल और 6H2O यानी 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या बनेगा, C6H12O6 यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, प्लस 6O2 यानी 6 ऑक्सीजन के बन रहे हैं और 6H2O यानी 6 पानी बन रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, ये प्रोसेस जो है 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। देखो आप क्लोरोफिल आपको पता है कहाँ पे होता है, नहीं पता, देखिए ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो जो उनमें ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर किस वजह से है, ग्रीन कलर है पिगमेंट की वजह से, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ऑर्गेनेली होता है उसका, प्लांट लीफ के अंदर होता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है कि जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये क्या है, जो लाइट एनर्जी ले ली है, अब हमारे को लाइट एनर्जी प्लांट्स को नहीं चाहिए, उनको केमिकल एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना वो दो चीज़ों में टूटेगा, उससे हाइड्रोजन भी बनेगा और ऑक्सीजन भी बनेगा। तो ये हो गया अपना सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, रिड्यूस होके क्या बन जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको पता चल गया ना फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप्स में हो रहा है, 3 स्टेप्स में। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी जो है अब्सॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप में लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में और साथ के साथ वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग भी हो रही है। और थर्ड में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है। अब आपने, आपको पता है स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और स्टोमेटा क्या है, एक ओपनिंग है बेसिकली, ओपनिंग को है उसको क्या है, गार्ड सेल्स होते हैं, दो किडनी की शेप के होते हैं, किडनी शेप्स के, वो उसको मतलब बाहर से ऐसे क्या बोल सकते हैं आपको, देखिए अपने पिक्चर्स को ध्यान से समझेंगे फिर ठीक रहेगा। ये स्टोमेटा ओपनिंग मतलब जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ये दो गार्ड सेल्स आपको देखो कैसे दूर दूर थोड़े से हैं और आपको एक स्टोमेटा ये पोर्स नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ओपन नज़र आ रहा है। अब जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो देखिए गार्ड इनकी शेप भी चेंज हो गई है, गार्ड सेल्स की जो दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट है ये सारे ऐसे एक साथ हो गए। इन फोटोसिंथेसिस मासिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स स्टोमेटा। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज प्लेस करता है, टेक प्लेस करता है। और कहाँ पे प्रोसेस होता है स्टोमेटा, क्योंकि प्रेजेंट कहाँ पे, लीफ में है, तो ये लीव्स में ये प्रोसेस होता है। और यहाँ पे कौन से पोर प्रेजेंट है, इन पोर्स को क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था स्टोमेटा। तो ये पहला जो मैंने आपको फोटो दिखाया है उसमें गार्ड सेल्स क्या है, स्वोलन है, वर्ड मतलब मोटे हो रखे हैं, ठीक है, अच्छे से। और दूसरे पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं, गार्ड सेल्स श्रंकन है, मतलब वो मतलब श्रिंक हो रखे हैं, ठीक है। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट। हर ऑर्गेनिज्म क्या है, अपने एनवायरमेंट में अपने हिसाब से अडेप्ट कर लेता है अपने आप को, अपने अनुसार उसके, अपने एनवायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है। रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच फूड इज टेकन और टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर। अब देखो कौन सी स्ट्रेटजीज जिससे फूड को लेना है, या फिर हम कह सकते हैं कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो इसकी क्या है, हमने यहाँ पे सिर्फ हम 3 टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, वैसे 2-3 और हैं लेकिन हम सिर्फ 3 टाइप को एज पर द सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेकंड क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। थर्ड क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन।
अब एक एक करके जानते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। पहले हमने ये पिक्चर दिखाई है, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। जैसे देखिए, देयर आर थ्री मेजर ग्रुप्स ऑफ सेप्रोफाइट्स, दीज आर बैक्टीरिया, फंगाई एंड मोल्ड्स। जो सेप्रोफाइट है उसके तीन मेजर ग्रुप्स हैं, एक तो हो गया बैक्टीरिया, दूसरा हो गया फंगाई, तीसरा हो गया मोल्ड्स। अब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन सी होती है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब इट। अब इसमें क्या होता है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है फूड को अपने शरीर के बाहर ही तोड़ता है, और जब टूट जाता है फूड तब उसको एब्जॉर्ब करता है। और तो इसका एग्जांपल ईस्ट हो गया, बाकी भी ये बैक्टीरिया फंगाई मोल्ड्स भी इसके एग्जांपल ही हैं। सेकंड एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स एंगल्स द फूड इन टू द बॉडी, डाइजेस्ट इट एंड अब्सॉर्ब द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स क्या है, फूड को पूरा का पूरा अपने अंदर ले लेते हैं, खा लेते हैं उसे, और फिर उस फूड की डाइजेशन होती है, और जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के, जो घुल सकते हैं अच्छे से, वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होलोजेनिक न्यूट्रिशन कहाँ पे होता है, ह्यूमन बींग्स यानी हमारे में। देखो मैंने इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको पिक्चर दिखाई है, तो कैसे दिखा रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म, हम लोग क्या है, फूड लेते हैं, फिर वो अंदर जाता है, फूड पाइप से गया अंदर, फिर नीचे स्टमक में गया, फिर उसको पैंक्रियाज, लीवर सब ने अपना अपना फ्लूइड दिया। वो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक्सप्लेन करेंगे अभी थोड़ा सा ही समय के बाद इसी चैप्टर में आगे, तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना जान लीजिए कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है, और उसके सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन को एब्जॉर्ब करता है। थर्ड टाइप है आपकी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इन दिस मोड द फूड इज डिराइव्ड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय लिविंग ऑन और इनसाइड देयर बॉडीज। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, या तो उसके ऊपर रहते हैं वो ये वाले ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स, या फिर उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं। द पैरासाइट्स थ्राइव ऑन लिक्विड फूड मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। अच्छा देखिए, एक होता है पैरासाइट और दूसरा वर्ड होता है होस्ट। जिस के ऊपर रहते हैं वो जो होता है ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर रहते हैं उसको हम कहते हैं होस्ट, जिससे उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, और जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या करते हैं, लिक्विड फूड मटेरियल जो है अपनी होस्ट की बॉडी में से लिक्विड फूड मटेरियल को ले लेते हैं। द होस्ट मे और मे नॉट सफर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। अब ये क्या है, ये जो पैरासाइट है ये हमारे होस्ट की बॉडी का जो फूड मटेरियल ले रहे हैं, लिक्विड फूड मटेरियल उससे ले रहे हैं, तो ये हो सकता है होस्ट को इससे नुकसान हो या ना हो, ये डिपेंड करता है, कभी नुकसान होता भी है और कभी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने पिक्चर दिखाई, ये होस्ट प्लांट है और ये साइड में हमने वो दिखाया पैरासाइट, तो उसके सीड्स हैं, ऐसे करके वो कैसे प्रोसेस चल रहा है, वो उसके साथ अटैच कर गया, फिर उसने अपने आप को खुद को बना दिया, आगे अपना प्लांट खुद का नया बना दिया धीरे धीरे, और फिर नए सीड्स भी आए। एग्जाम्पल सर्टेन बैक्टीरिया, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, कसकचा, प्लास्मोडियम। अब देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कुछ बैक्टीरियाज में होता है, राउंड वॉर्म में होता है, टेप वॉर्म में होता है, कसकटा होता है, प्लास्मोडियम होता है। अभी देखो आपको पता ही होगा, कब ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या है, राउंड वॉर्म, कभी आपने सुना हो कि इसके पेट में कीड़े हैं, तो कौन से कीड़े होते हैं, राउंड वॉर्म होते हैं, टेप वॉर्म होते हैं, क्या कहते हैं वो, हमारे आराम से बैठ जाते हैं अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में, और हम जो खाना खा रहे हैं उसका तो जो लिक्विड खाना है वो अपनी अपने लिए यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी डेवलप करते हैं उससे, ठीक है। तो जो हम लोग हैं क्या है, उससे सफ़र कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं वीक हो जाते हैं इस वजह से। ऐसे ही कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, और एक आपका कसकटा भी होता है। आपने एक एग्जाम्पल मैं आपका दे सकती हूँ, एक अमरबेल नाम का पौधा सुना होगा ना, वो क्या करता है, जो ये हेजेस होते हैं ना, जो किनारे पे झाड़ वाड़ लगी होती है, तो उसके ऊपर अपने आप को चढ़ा देता है, तो उससे क्या होता है, जो वो झाड़ है बेचारी जिसके ऊपर चढ़ता है, जो होस्ट होता है बेचारा, वो डैमेज होके उसके सारे पत्ते वत्ते सूख जाते हैं, और ये ही पूरी तरह से फैल जाता है। और एक और एग्जांपल है प्लास्मोडियम, है ना, प्लास्मोडियम तो आपको पता ही है, अच्छे वाला एग्जांपल है ना। तो इस तरीके से ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।
आपको फिर इसके चैप्टर के पार्ट टू में मिलती हूँ। आपको इस पार्ट वन में अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।